चंबा जिला का जहां जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए प्रस्तावित द्रमण किलाड़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग और चेहनी पास सुरंग को जल्द स्वीकृति दिलाने की पांगी कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है। इस संबंध में पांगी कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंबा दौरे के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और जल्द इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। कल्याण संघ के अध्यक्ष भगत बढ़ोत्रा ने बताया कि पांगी घाटी को जोड़ने वाले इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है और इसके अलावा करीब 9.5 किलोमीटर लंबी चेहनी पास सुरंग प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस उच्च मार्ग के बन जाने से जम्मू पांगी के बीच का सफर 600 किलोमीटर से घटकर मात्र 200 किलोमीटर रह जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द इस उच्च मार्ग को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। संसारी नाला जो पांगी का रोड है उसको अप टू ले तक के लिए मतलब अप्रूवल दी हुई सरकार द्वारा फोर लेन करने के लिए, तो हमने राजा साहब से माध्यम से इस विषय को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए आवेदन किया हुआ है और उनसे आग्रह किया हुआ है कि जैसे पठानकोट आर्मी बेस कैंप से अगर आप किश्तवाड़ पहला स्टेशन, उसके बाद संसारी नाला और उसके बाद किलाड़ से होते हुए अगर आप ले के लिए इसको मंजूरी दे सकते हैं तो क्यों ना इसको साच पास के और अपने चुवाड़ी जोत के नीचे एक टनल से और साच पास के नीचे दूसरी टनल जिसे हम चेनी टनल के नाम से जानते हैं उसको अप्रूवल दी जाए तो कम से कम 200 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच बनेगा, जबकि बाय जम्मू ये अभी कम से कम 600-700 किलोमीटर का रास्ता बनता है। तो राजा साहब ने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में केंद्र से बात करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है, तो आगे संज्ञान लेने के लिए हमें आश्वासन दिया। पांगी कल्याण संघ के महासचिव भारद्वाज ने बताया कि द्रमण किलाड़ नेशनल हाईवे बन जाने से चंबा से पांगी 12 माह तक आवागमन हो पाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा चेहनी पास सुरंग के बन जाने से यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनको भी फायदा होगा, व्यापार में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और ये रोड जो है पूरा साल जो है खुली रहेगा अगर टनल बनती है तो, और इसकी DPR जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विचाराधीन है, अगर उसको अप्रूवल मिल जाती है उस DPR को तो अवश्य ही काम जो है हो सकता है। तो ये NH जो बन रहा है ये जो है स्यूंता द्रमण और चुवाड़ी जोत और चंबा तिस्सा और जो है पांगी मिलता है, इसमें जो दो टनल के प्रावधान है, एक तो चुवाड़ी जोत में टनल का प्रावधान है और जो पांगी जो साच पास से होकर जो चेन्नी टनल का प्रावधान है, इससे जो है ये स्ट्रेस जो काफ़ी शॉर्ट है, बकाए जो है जेंट के से अगर जाना हो तो काफ़ी जो है लॉन्गेस्ट रूट है ये, जो 12 महीने जो है खुला रहेगा, इससे लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।